वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे हम लोग 34 के, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के टू मेथड्स होते हैं, एक फैक्टर ट्री मेथड और एक बाय डिवीजन मेथड। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेते हैं डिवीजन मेथड से फाइंड आउट प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो 34 के फाइंड आउट करने हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, जब भी प्राइम फैक्टर स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना, हम लोग लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हम यहाँ पर 2 ले सकते हैं कि नहीं। अगर तो ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, 2 के टेबल में आता है, तो उसी कंडीशन में हम यहाँ पर 2 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर जो है इवन है, हमें पता है 34, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल में 34 आता है, ठीक है। अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर आपको नहीं समझ आ रहा, तो उसके लिए डायरेक्टली चेक करने के लिए मेथड होता है कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, ठीक है। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर इनमें से, इसका क्या मतलब है कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 34 जो है हमारे पास एक नंबर है, इसका लास्ट डिजिट 4 है इनमें से, है ना। इसका क्या मतलब है कि नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2 के टेबल में 34 आता है 17,000, ठीक है। तो 2 के टेबल में 34 आता है 17,000, मुझे डायरेक्टली पता है। अगर आपको नहीं पता, आप कोई कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो आप उसको इस तरह सॉल्व कर लिया करें। इस तरह हमारे पास इजी हो जाता है सॉल्व करना। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 से छोटा है, 2 के टेबल में 2 आता है, आप इसे कट करके 2 बना लें। 2 के टेबल में 2 आता है 1,000, ये अब हमारे पास था 3, हमने जब इसे कट करके 2 बनाया तो इसका 1 जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये बन गया 14। 2 के टेबल में 14 आ गया हमारे पास 7,000, ठीक है। तो मुझे डायरेक्टली पता था कि 2 के टेबल में 34 आता 17 टाइम्स, ठीक है। लेकिन मैंने आपको इसलिए ही करके दिखाया ताकि कहीं कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। हम अगेन यहाँ पे 2 ले सकते हैं तो नहीं ले सकते, 2 के टेबल में 17 नहीं आता, 2 नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते, 3 के टेबल में भी 17 नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, और फिर 7 के टेबल में भी नहीं आता, 11 के टेबल में भी नहीं आता। तो 17 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है? ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आ रहा होता है और किसी के टेबल में नहीं आता, मतलब ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, एक 1 और एक वो नंबर खुद, ठीक है। मतलब 1 के टेबल में 17 आता है और ये अपने टेबल 17 में ही आता है, तो इसके 2 ही फैक्टर्स हुए, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये किसी और के टेबल में नहीं आता तो 17 ही ले लेंगे, 17 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 34 इज इक्वल टू क्या है फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब क्या करेंगे, 34 के ही प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ये क्या था, बाय डिवीजन मेथड, ये क्या फैक्टर ट्री मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक कर लेते हैं कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर ही है। कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 34 के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा कैसे हैं, ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, फिर 4 के टेबल में नहीं, फिर ये आता है 17 के टेबल में और 34 अपने टेबल में, ठीक है। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं ना, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। के ये 1 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 17 के टेबल में भी आ रहा है, और अपने टेबल 34 में भी आ रहा है, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो इसका क्या मतलब है, कंपोजिट नंबर ही सेपरेट हो सकता है। अब हम इसके कैसे इसको सेपरेट करेंगे, इस तरह। जब हम सेपरेट करते हैं तो छोटा नंबर यहाँ पर लिखते हैं, बड़ा यहाँ पर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते सेपरेट करना, तो वही रूल है हमारे पास, जैसे हम प्राइम फैक्टर्स इधर फाइंड आउट कर रहे थे। तो लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं। अगर तो ये नंबर 34 2 से डिवाइड होता है तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो यस, 34 जो है 2 से डिवाइड होता है, वही रूल है चेक करने के लिए कि 34 का लास्ट डिजिट जो है इवन है, 4 है इनमें से है, इसका क्या मतलब है कि नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। 2 के टेबल में 34 आता है कितने टाइम्स, 17 टाइम्स। तो छोटा इधर लिख लेना, बड़ा नंबर इधर लिख लेना, 2 इधर लिख लिया, 17 इधर लिख लिया, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अब 2 फर्दर सेपरेट नहीं हो सकता क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर, और 17 भी फर्दर सेपरेट नहीं हो सकता क्योंकि 17 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर, ठीक है, कैसे है, क्योंकि बता चुकी हूँ इधर के 17 इसलिए प्राइम नंबर है कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं हैं, ठीक है। किसी के टेबल में नहीं आता इसलिए फर्दर ये भी सेपरेट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसके जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 34 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 17। तो जब हमने बाय डिवीजन मेथड प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए तो भी यही आए थे 2 मल्टीप्लाई बाय 17, और जब हमने बाय फैक्टर ट्री मेथड किए तो भी यही आ गया, ठीक है। तो दोनों तरह प्राइम फैक्टर्स तो सेम ही आएंगे क्योंकि नंबर सेम है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, ये डिवीजन मेथड और ये फैक्टर ट्री मेथड है, ठीक।
और एक और बात, ये एलसीएम नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि ये एलसीएम है, एलसीएम नहीं है, ये प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, एक नंबर के कभी भी प्राइम फैक्टर जो एलसीएम फाइंड आउट नहीं होता, उसके प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड आउट होते हैं। अगर एक से ज़्यादा नंबर है, जैसे 34 है, इधर एक और नंबर होता कोई सा भी, सेंटर में हम जब कोमा लगा के दोनों नंबर्स को लिखते हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, देन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होता है वो एलसीएम होता है। फिर हम कहते हैं कि दो नंबर्स हैं या तीन है या जितने भी हैं, उनका जो है एलसीएम हमने लिया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, फिर क्या आता है, प्राइम फैक्टर जो आ गए उनको मल्टीप्लाई करके फाइनल एक नंबर आता है, उसको हम कहते हैं वो उन दोनों नंबर का या तीन या जितने भी नंबर हैं उनका एलसीएम है। ठीक, तो एक नंबर का कभी भी एलसीएम नहीं होता, ये प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं हम। तो इसको जो है माइंड में रखें आप। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।